नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो मेरे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। यह वीडियो बहुत ही गंभीर वीडियो है और जिस विषय के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उन सब में हम दोषी हैं और ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का अनुरोध करूंगा आप सबसे। हम अक्सर कहते हैं कि बचपन का दिन हमारे लिए सबसे सुनहरे दिन थे और स्कूल के टाइमों में राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारे लिए कर्तव्य था, एक जिम्मेदारी थी जो हम हर दिन पालन किया करते थे। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, नौकरी की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं और दूसरे बाधाओं ने हमसे ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं छीन ली, या फिर मैं कह सकता हूँ कि हम कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी को भूल गए। एक साल में हमें तीन ऐसे बड़े मौके मिलते हैं जहाँ पे हम राष्ट्रगान का सम्मान कर सके। उन्हें हम नेशनल हॉलीडेज कहते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। मगर हम उन दिनों को आराम करके व्यतीत कर देना ही अच्छा समझते हैं क्योंकि चिंता रहती है कि दूसरा दिन ऑफिस जाने को है। और अगर मैं इसके अलावा कहूँ तो हमें चंद ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे हम राष्ट्रगान का सम्मान कर सके, जैसे कि सिनेमाघरों में सिनेमा चालू होने से पहले या इवेंट या स्टेडियम में खेल या इवेंट आरंभ होने से पहले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीज़ें आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे वीडियोज बनाता नहीं। मुद्दा यह था कि सुप्रीम कोर्ट में 5 से 6 महीने पहले से एक केस चल रहा था जिसमें यह कहा गया था कि सिनेमाघरों में सिनेमा चलने से पहले राष्ट्रगान बजाना जरूरी है कि नहीं। इसमें कुछ भारतवासियों का ये कहना था कि सिनेमाघरों में सिनेमा चलने से पहले राष्ट्रगान बजाना उनके लिए एक बोझ है और अलग से उन्हें जिम्मेदारी थोप दी जा रही है, और उन्होंने केस दर्ज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जो कि शर्म की बात है हमारे लिए। आखिरकार 9 जनवरी 2018 यानी कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि अब से सिनेमाघरों में सिनेमा चालू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है। हमारा राष्ट्रगान 1911 में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के हाथों से लिखा गया था और 1950 में इसे राष्ट्रगान की स्वीकृति मिली थी। यानी 67 से 68 सालों में हमारे राष्ट्रगान को ये मुकाम देखना पड़ेगा, ये तो शायद कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सोचा नहीं था। राष्ट्रगान एकता का प्रतीक होता है और किसी भी धर्म या जाति से परे होता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसी राष्ट्रगान ने एकता की डोर बांधी थी हम सब भारतवासियों में। अब मैं इस विषय में आपकी राय जानना चाहूँगा, तो वीडियो में कमेंट करें और अपनी राय बताएं। और ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आगे हमें ऐसे कई मौके मिलेंगे जहाँ पे हम अपने राष्ट्रगान का उचित सम्मान कर सकेंगे, तो इस चीज़ का हम आगे से पालन करेंगे। इस जिम्मेदारी को लोगों में फैलाएं, वीडियो को शेयर करें। और अंत में मैं ये वीडियो राष्ट्रगान गाते हुए ही समाप्त करना चाहूँगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, वंदे मातरम।